जो आपकी बहन है किस्सा जरा आप इसके बारे में बताओ, अगर उसको नमाज पढ़ने का बोलते हैं तो उसमें नखरे कितने होते हैं, इसके पहले बताओ। इसका मैं पढ़ रही हूँ, मम्मा बोलती है, मम्मा दादा बोलती है, तो ये पढ़ती 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 हूँ बोलती है, फिर ना आगे में जाकर वजू करती नहीं है, वजू में भी है ना सहल का मुँह में पानी डालती है और बोलती चलो भाई वजू हो गया, और नमाज में भी है ना ऐसे बैठती है, बाल बनाती है, बाल बना कर खड़ी जाती है, बोलती मगर वो ईशा की हो गई। अच्छा ये तो बताओ, ये तो बात सही है, ये तो शॉर्टकट है, ये बताओ नमाज में खड़े होने से पहले, मुसल्ले में जाने से पहले इसके नखरे कितने होते हैं, दुपट्टा कितनी दफ़ा पहनती हो निकालती जाओ, ये पहले पहनती है और फिर दोबारा निकाल देती है। अच्छा फिर दोबारा करती है, फिर दोबारा पहनती है, कम से कम 4 से 5 दफ़ा तो ये करती होगी ऐसा ना। तो आप इस अपने बहन के बारे में क्या बोलते हो, इसमें तो थोड़ा सा क्या इस चीज़ का फॉल्ट है और दिमागी फोल्ड नहीं है, क्या फोल्ड है कहना, ये कभी भी मम्मा की बातें नहीं सुनती, बदतमीजी करती है मम्मा से, नमाज पढ़ती है और नमाज होती है। हाँ वैसे सही बोला, ये मुझे दिख रहा था, ये देखो ये नमाज अभी खड़ी हुई थी और उसकी जो दूसरी रखा तो भाई देखिए दूसरी रखा नहीं होती, 4 रखा तो दिए, फजर की रकात में ना तो सिर्फ 1 रकात में ऐसे ही करती है। अच्छा बस हो जाती है। चलो अब बाकी इंटरव्यू आपका लेंगे हम लोग, ठीक है, टाटा कर दूँ।